Welcome back to my class. I am Dr. Smriti Jhari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, Kota. अभी मैं आप लोगों को पिछली क्लास में BSc Part 1 का यूनिट 3 मैंने स्टार्ट किया था और उसमें हमने साइकॉन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करा था. आज हम ऑरेलिया के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे एंड इट बिलोंग्स टू फाइलम सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेट्स के आपके क्लासिफिकेशन आपको दूसरी मैम ने उसके कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन बता दिया होंगे. और आज जो एनिमल हम जिसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं वो है ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश. ऑरेलिया फाइलम स्निडेरिया या सीलेंट्रेटा को बिलोंग करता है. इसकी क्लास है स्काइफोसोआ. ऑर्डर इज सीमेस्टोमे. जीनस इज ऑरेलिया और स्पीशीज है इसकी ऑरिटा. इसको हम बोलते हैं ऑरेलिया ऑरिटा यानी कि जेलीफिश. इसकी बॉडी जैसा कि नाम से इंडिकेट कर रहा है बॉडी इज वेरी सॉफ्ट जेली लाइक मटेरियल होता है और इसका नाम जेलीफिश है परंतु ये मछली नहीं है. इट इज़ नॉट अ फिश. अब इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है मतलब ये इसका स्वभाव और आवास क्या है और ये कहाँ पाया जाता है. इसको जनरली इसका कॉमन नेम क्या है जेलीफिश या मून जेली. ये कोस्टल वाटर्स में पाया जाता है ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ओशंस जो है हमारे वर्ल्ड के या संसार के उसमें ये पाया जाता है. मतलब कोस्टल वाटर्स मीन्स समुद्र के किनारे जो है वहाँ पर ये पाया जाता है. और ये पैलेजिक है और फ्लोट करता है वाटर सरफेस के ऊपर पाया जाता है और अच्छा स्विम करता हुआ दिखता है पानी के ऊपर. छोटा सा ये अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर जैसा दिखता है आपको. और ये या तो अकेला रहता है या बहुत सारे ग्रुप्स में मतलब झुंड में पाया जाता है. और इसके जो झुंड होते हैं उनको हम शोल कहते हैं. अब इसका फूड कैसा होता है नेचर कैसा है इसका. ये कार्निवोरस है मतलब ये जीव जंतुओं पर निर्भर करता है. और इसका रिप्रोडक्टिव मोड क्या है. इट रिप्रोड्यूसेस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. अब इसकी लाइफ साइकिल जो होगी उसमें पॉलीपॉइड एंड मेडुसाइड फेजेस होंगे. बट जो मेडुसा फेज जो है इसका वो डोमिनेंट होता है. जैसे आपने छोटी क्लास में ओबिलिया के बारे में भी पढ़ा होगा. ओबिलिया में भी पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज होते हैं. इसी प्रकार ये ऑरेलिया में या जेलीफिश में भी पॉलिप एंड मेडुसा स्टेजेस होते हैं पर मेडुसा स्टेज ज़्यादा कॉमनली अकर होता है. अब ये इसका स्ट्रक्चर क्या है. मेडुसा जो बॉडी इसकी जो है ऑरेलिया की 7 से लेकर 30 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है. मैंने आपको बताया था कि ऑरेलिया कैसा है. ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखता है छोटी सी छतरी के जैसा रहता है इसका जो डायमीटर है इसका फ्लैटन होता है या उल्टी सॉसर या प्लेट जो होती है उसके जैसा स्ट्रक्चर है. बेल या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसका. और ये टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है. टेट्रा मीन्स फोर आर्म्स लाइक अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे तो देखेंगे. रेडियल मीन्स गोलाई में है इसका विन्यास. इसका गोल है शेप उसमें 4 रेखाएं हैं. इसको हम टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री बोलते हैं. और जो बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ये इस सिमिट्री के चारों तरफ अरेंज होते हैं. अब सिंस ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें 2 सरफेसेस होंगे ओरल सरफेस एंड अबोरल. और उसी तरह से इसकी ओरल एंड अबोरल एक्सेस भी पाई जाएंगी. और ये 4 की संख्या में या 4 के गुणाओं में इनकी संख्या होगी. अब ये इसका कलर कैसा होता है. ये ब्लूइश वाइट कलर में होता है. ट्रांसपेरेंट होता है हल्का सा रंग होता है. और इसके गोनेड्स पिंक इन कलर होते हैं. इसकी बॉडी छाते छतरी के जैसे होती है या अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है. और इसमें कॉन्वेक्स अपर सरफेस होता है उसको एक्स अम्ब्रेला कहते हैं. और कॉन्केव लोअर सरफेस होता है जिसको कि हम सब अम्ब्रेला सरफेस कहते हैं. अब ये जो मार्जिन होती है अम्ब्रेला की जो कटोरी जैसे उल्टी प्लेट के जैसे जो संरचना बनी इसकी तो इसकी जो मार्जिन होगी उसमें सर्कुलर होती है ये और उसको स्कैलप्ड होती है. और इसमें छोटे छोटे से कट्स होते हैं या नॉचेस होते हैं उनको हम बोलेंगे 8 नॉचेस या 8 लोब्स होते हैं या फोल्ड्स होते हैं. अब हर एक जो नॉच होगी या जो अंदर घुमाव जो होगा उसमें 2 पत्तियों जैसी प्रोसेसेस होती है जिनको कि हम मार्जिनल लैपेट्स कहते हैं. लैपेट्स मीन्स फोल्ड्स. अब ये जो
लैपर्ड्स हैं, इनके बीच में सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं सेंसरी ऑर्गन को, स्टैटोसिस्ट या टेंटिक्यूलोसिस्ट। अब टेंटिकुलोसिस्ट नाम से आपको समझ में आ रहा होगा टेंटिकल से संबंधित कुछ संरचना होगी, टेंटिकल्स इसके अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो इसको बचाव में सहायता करेंगे। अब स्टैटोसिस्ट और लैपर्ड्स ये दोनों टुगेदर जो पास अकर करते हैं उसको रोपेलियम कहते हैं। अब ये मार्जिन जो है अम्ब्रेला की जो मार्जिन है उसके बीच बीच में जो नॉचेस हैं उसमें न्यूमरस स्मॉल हॉलो मार्जिनल टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। ऑरेलिया कैसा है, अक्रस्पिडोट सिनिडेरियन है, इट लैक्स अ ट्रूवेलम एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सूडोवेलियम, मतलब फॉल्स वेलम प्रेजेंट होता है उसको कि वेलेरियम कहते हैं। अब देखिए क्रेस्पिडोट का मतलब क्या होता है, क्रेस्पिडोट मतलब वो वाले सिलेंट्रेट जिनमें वेलम, वेलम मतलब एक पतली सी झिल्ली या क्रेस्पिडोन होता है मेडूसा स्टेज में, या हाइड्रोमेडूसा या मेडूसा स्टेज में जैसा कि ओबिलिया में होता है उस प्रकार से इसमें एक पतला सा वेलम होता है, इसको हम क्रेस्पिडोट कहते हैं। एक क्रेस्पिडोट स्निडेरियंस वो होते हैं जिनमें वेलम या क्रेस्पिडोट नहीं होता इनके मेडूसा स्टेज में, जैसे कि ऑरेलिया या अदर स्काइफोजोन में दे आर एक क्रेस्पिडोट, उनमें ये पतला सा वेलम नहीं होगा। अब हम देखें कि जो इसका ये डायग्राम देखो, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ऑरेलिया। ऑरेलिया में मैंने बताया था ये ऊपर वाला सरफेस जो है एक्सम्ब्रेला सरफेस कॉन्केव है और नीचे वाला सरफेस है कॉन्वेक्स है। अब यहाँ पे हम देखेंगे टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री थी इसकी, यहाँ पे रेडियल कैनाल्स दिख रहे हैं, पिंक कलर के गोनैड्स हैं। अब यहाँ देखो इसको सर्कुलर जो मार्जिन है इसकी उसमें मार्जिनल लैपेट्स दिखाई दे रहे हैं, 8 नॉचेस हैं, वहाँ पे टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, लैपेट्स भी हैं, और ये वेलेरियम दिख रहा है आपको पतला सा, और ये टेंटिकल्स लटके हुए जो है फ्रिल जैसा स्ट्रक्चर है वो मार्जिनल टेंटिकल्स हैं। अब इसके जो ओरल आर्म्स हैं जो जो नीचे वाला सरफेस है ओरल सरफेस से अब ओरल सरफेस से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं ओरल आर्म्स, ओरल आर्म्स में ग्रूव्स भी हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो सीधा दिस डायग्राम और दी वेंट्रल व्यू, एक लेटरल व्यू देखा था, वेंट्रल व्यू देखो, वेंट्रल व्यू में सेंटर में हम देख रहे हैं टेट्रामेरस सिमेट्री थी तो चार आर्म्स आपको दिख रहे हैं बीच में। अब टेट्रामेरस में बीच में माउथ है इसका, माउथ से चार इसके आर्म्स जा रहे हैं, इनके बीच में गोनैड्स हैं लाइट पिंक कलर के स्ट्रक्चर जो अल्टरनेट कर रहे हैं टेट्रामेरस आर्म से, मार्जिनल टेंटिकल्स दिख रहे हैं, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स हैं इसके पास ही गोनैड्स के पास, और वेलेरियम है मार्जिन में, ओरल आर्म्स दिख गए, सर्कुलर कैनाल है इसमें, इंटर रेडियल कैनाल्स हैं, एडरेडियल इंटर रेडियल एंड पर रेडियल कैनाल्स हैं, बहुत सही ब्रांचिंग है, गोनैड्स दिख गए, और सब अम्ब्रेलर सरफेस है, एक्स अम्ब्रेलर ऊपर वाला है सब अम्ब्रेलर नीचे वाला सरफेस है। और ये जो ये रोफेलियम दिख रहा है जो कि वो दो चीज़ों को लैपेट्स और नॉचेस को मिलके बना रहे हैं वो रोफेलियम है, वो आपको स्ट्रक्चर इसमें आराम से दिखाई देगा। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सब अम्ब्रेलर सरफेस जो होता है ऑरेलिया का उसमें एक छोटा सा मैनोब्रियम होता है या माउथ होता है, इसके फ्री एंड जो होता है मैनोब्रियम का उसमें माउथ स्थित होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, इसके चारों कोनों पे चार लॉन्ग मोबाइल डेलिकेट फ्रिल्ड एंड टेपरिंग प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम ओरल आर्म्स कहते हैं। हर एक ओरल आर्म में एक वेंट्रल सीलिएटेड ग्रूव प्रेजेंट होगा, उसमें न्यूमरस नेमेटोसिस्ट होंगे जो कि इसको सुरक्षा या डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। माउथ क्या करेगा, माउथ के बाद में माउथ लीड्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज गलट, माउथ से गलट है, गलट विल ओपन इनटू द स्टमक और स्टमक गिव राइज टू फोर इंटर रेडियल गैस्ट्रिक पाउचेस। अब ये गैस्ट्रिक फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं गोनेट्स के पास गैस्ट्रिक फिलामेंट्स दिख रहे हैं और जो कि गैस्ट्रिक पाउचेस में लीड करते हैं। अब इसमें हमको गोनेट्स और सबजेनाइटल पिट्स भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें फोर हॉर्स शू शेप्ड मतलब घोड़े की नाल की शेप के जैसे गोनेट्स थे जो कि ओरल आर्म्स के ऑल्टरनेट करते हुए वो प्रेजेंट थे, चार हॉर्स शू शेप पिंकिश लाइट पिंक कलर के गोनेट्स प्रेजेंट हैं विच लेटर ऑन बिकम सर्कुलर एंड आर सिचुएटेड बिटवीन दी ओरल आर्म्स इन द सेंटर ऑफ दी सब अम्ब्रेला सरफेस।
गोनैड्स कैसे होते हैं? गोनैड्स आर इनफेक्ट इंटरनली लाए करते हैं, गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर होते हैं ये, एंड बट बाहर से दिखाई देते हैं, लाइट पिंक कलर के दिखाई देते हैं सबअम्ब्रेलर सरफेस पे से। एंड इसमें एक सर्कुलर अपर्चर भी होता है जिसको कि हम सबजेनाइटल पिट भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन कोई क्लियर नहीं है कि सबजेनाइटल पिट का क्या कार्य है। गोनैड्स क्या करते हैं? हाउएवर दे हैव नो कनेक्शन विद दी सबजेनाइटल पिट्स। अब इसकी हिस्टोलॉजी हम देखें, देखो डायग्राम में दिख रहा है सबजेनाइटल पिट, पर इसका क्या कार्य है ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे रिंग्स भी दिख रही हैं आपको, गैस्ट्रिक फिलामेंट है, स्टमक है, माउथ लीड्स इनटू गलट, गलट ओपन्स इनटू दी स्टमक, स्टमक फिर क्या होएगा, रेडियल कैनाल्स और इसमें खुल जाएगा, और गोनेट्स भी दिख रहे हैं इसमें, तो सी दी गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम ऑफ ऑरेलिया। अब इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। मेन टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज जो होते हैं ऑरेलिया में वो ओबिलिया के जैसे ही होते हैं। अब इसकी एपिडर्मिस कैसी होगी? एपिडर्मिस ये जो बेल शेप ऑरेलिया है, या इसमें दो सरफेस हैं, एक्स अम्ब्रेला एंड सब अम्ब्रेला सरफेस होते हैं, मैनोब्रियम होता है इसमें, ओरल आर्म्स हैं, मार्जिनल टेंटिकल्स हैं, एंड वेलेरियम है, ये छोटा सा पर झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ दिखाई देता है, एपिडर्मिस से कवर्ड होता है। एपिडर्मिस ऑल्सो लाइन्स दी सबजेनाइटल पिट्स। एपिडर्मिस में क्या क्या होएगा? इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑन द एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, बट एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स ऑन द सब अम्ब्रेलर सर्फेस वो प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स सब अम्ब्रेलर सर्फेस पर प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेंसरी सेल्स भी होंगे, नर्व सेल्स होंगे, ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्नीडोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस में क्या होगा? सेंसरी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है जो कि सेंसरी सेंस ऑर्गन्स को कैरी करती है। सेंसरी एपिथीलियम इसमें काफ़ी सारे मात्रा में लॉन्ग नैरो सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि एक एपिथेलियल सेल की संरचना को बनाते हैं। एपिडर्मल सेल्स की जो मस्कुलर प्रोसेस होती हैं वो क्रॉस होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं सर्टेन प्लेसेस पे, और कुछ प्लेसेस पे वो स्मूथ होती हैं। ये देखो, दिस इज द डायग्रामेटिक वर्टिकल सेक्शन ऑफ इंटर रेडियाई। यहाँ पे माउथ, माउथ के पास गलट दिख रहा है, गलट के पास स्टमक दिख रहा है, स्टमक के बाहर क्या है, एंडोडर्म है, फिर टिश्यू है, एंडोडर्म और एपिडर्मिस के बीच में मिसोग्लिया है, ठीक है। एपिडर्मिस का जो बाहर वाला रीजन है उसको एक्टोडर्म हम कह रहे हैं। गैस्ट्रिक पाउच दिख रहे हैं, पाउच के पास ही गोनैड्स हैं। तो दिस इज द डायग्रामेटिक वर्टिकल सेक्शन ऑफ द इंटर रेडियाई। अब इसकी गैस्ट्रोडर्मिस कैसी होगी? गैस्ट्रोडर्मिस कैसी होती है? सारे जो डाइजेस्टिव कैविटी है, मतलब कि गलट, स्टमक, गैस्ट्रिक पाउचेस, रेडियल कैनाल, सर्कुलर कैनाल्स, ये सब गैस्ट्रोडर्मिस से लाइंड होते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स कैसे होते हैं? दे आर कॉलमनर, मींस टॉल एंड वर्टिकल सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स होंगे जिनमें कि फ्लैजेला होता है, और ये वाटर की करंट को मैनिपुलेट करते हैं या मेंटेन करते हैं। इसमें गैस्ट्रोडर्मिस में ग्लैंड सेल्स भी होते हैं, परंतु नर्व सेल्स या मसल प्रोसेसेस नहीं प्रेजेंट होती। स्नीरोब्लास्ट भी एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट ऑन दी गैस्ट्रिक फिलामेंट्स। दी गैस्ट्रिक फिलामेंट्स क्या करेंगे? दे कंटेन अ डबल लेयर ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस, और इसमें मिसोग्लिया भी होता है परंतु थिन होता है, मीन्स थिन लेयर ऑफ मिसोग्लिया इज प्रेजेंट। गोनेड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ द गैस्ट्रोडर्मिस। पार्ट्स ऑफ द अम्ब्रेला जो होता है बिटवीन द रेडियल कैनाल्स जो होएगा वो सॉलिड होएगा, और वो गैस्ट्रोडर्मल लैमिला कंटेन करता है जिसके के कारण की वो शेप ऑफ द एनिमल इज मेंटेन्ड। और ये कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड, गैस्ट्रोडर्मल लैमिला इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एक्स अम्ब्रेला एंड लोअर सब अम्ब्रेलर सरफेस या लेयर्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस। और कैविटीज ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड मार्जिनल टेंटिकल्स क्या करेंगे? वो एक्सटेंशंस जो होते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के, दे आर लाइन बाय गैस्ट्रोडर्मिस। ओरल आर्म्स कैसे होते हैं? दे आर प्रोलंगेशंस ऑफ द एंगल्स ऑफ द माउथ, और वो उनमें पतली सी कवरिंग होती है गैस्ट्रोडर्मिस की, और फ्लैजिलेटेड होती है गैस्ट्रोडर्मिस। मिसोग्लिया क्या करेगा? मिसोग्लिया इट इज दी इट दीज आर दी टिश्यूज बिटवीन दी एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। ये थिक लेयर होता है ऑफ जेलाटिन, जेलाटिनस एंड फाइब्रस मिसोग्लिया होते हैं,
और ये मिसोग्लिया जो होता है टिश्यू, मेन टिश्यू ऑफ दिस बेल या अम्ब्रेलर सरफेस मिसोग्लिया के कारण ही बनता है, और ये स्ट्रक्चरलेस नहीं होता जैसा कि हाइड्रोबिलिया में होता है। इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और फ्री वॉन्डरिंग एमीबाइड सेल्स भी होते हैं जो कि एपिडर्मिस से डिराइव्ड होते हैं। इट दस हैज़ द नेचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सो इट इज टर्म्ड आल्सो टर्म्ड एज कोलनकाइमा। अब नेमाटोसिस्ट मैंने बताया था, नेमाटोसिस्ट भी इसमें प्रेजेंट हैं। नेमाटोसिस्ट क्या करते हैं, ऑरिलिया के नेमाटोसिस्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, ये ओरल आर्म्स में प्रेजेंट हैं, एक्स एंड सब अम्ब्रेलर सर्फिसज में भी प्रेजेंट हैं, ऑन दी मार्जिनल टेंटिकल्स में भी नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट हैं, और गैस्ट्रिक फिलामेंट्स में भी नेमाटोसिस्ट्स प्रेजेंट होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ नेमाटोसिस्ट्स आर फाउंड, एट्राइकस आइसोरिजास या स्मॉल ग्लूटिनेंट्स, होलोट्राइकस आइसोरिजास या लार्ज ग्लूटिनेंट्स, एंड फोर्थ वाला थर्ड वाला है हिट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिक यूरिटेल्स। स्मॉल और लार्ज ग्लूटिनेंट्स जो होते हैं वो ओवल कैप्सूल होता है उनका, और लॉन्ग स्टिकी थ्रेड लाइक ट्यूब होती है उसमें यूनिफॉर्म डायमीटर की, एंड ओपनिंग होती है उसकी डिस्टल या दूर वाले एंड पे ओपनिंग होती है उसकी। इनमें दो बोथ ऑफ देम दे लैक दी बट, अभी हम नेमाटोसिस्ट का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका वो कैप्सूल कौन सा है और बट कौन सा है और थ्रेड कौन सा है। और थ्रेड ट्यूब जो होती है वो अनआर्म्ड होती है इन दी स्मॉल ग्लूटिनेंट्स, एंड आर्म्ड होती है विद अ स्पायरल रो होता है माइन्यूट स्पाइंस इन द लार्ज ग्लूटिनेंट्स। इन बोथ केसेस द थ्रेड वाली ट्यूब जो होती है, धागे वाली ट्यूब, जब डिस्चार्ज करी जाती है इट एडहेयर्स या स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द प्रे। अब यहाँ देखो, मैंने आपको नेमाटोसिस्ट के मैं डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज ग्लूटिनेंट्स हैं जो कि अनडिस्चार्ज हैं। यहाँ पे जो थ्रेड है ए पार्ट में देखो, ये अनडिस्चार्ज नेमाटोसिस्ट है। यहाँ पे थ्रेड में क्या है, कॉयलिंग है, और ये देखो स्निडोसील है, ओवल तो कैप्सूल है, थ्रेड अंदर है कॉयल्ड कंडीशन में। अब जब ये जो बी सेक्शन है, स्मॉल एंड लार्ज ग्लूटिनेंट्स हैं जो डिस्चार्ज जब होते हैं तो ये अपने कैप्सूल में से निकल जाते हैं, स्प्रिंग के जैसे निकलते हैं। अब यहाँ पे सी वाले में हीट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिक यूरिटिल डिस्चार्ज स्टेज में दिखाई दे रहा है। अब ये देखो सब बट मींस एक सॉलिड सी जो बेस या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उस थ्रेड को, दैट इज नोन एज बट। कैप्सूल के बाद बट है, और बट में भी स्पाइन दिख रहे हैं, कांटे जैसे होते हैं ये चुभते हैं, और ये थ्रेड है, एक में स्पाइन है और एक में नहीं है। जो थ्रेड की ट्यूब जो बी सेक्शन में दिख रहा है, थ्रेड में स्निडोसील है, थ्रेड के पास स्निडोसील है, और ये ओपरक्यूलम है, ओपनिंग है, ओपरक्यूलम ढक्कन जैसा है जहाँ से ओपन होता है ये, और ये थ्रेड दिख रहा है लॉन्ग थ्रेड, इसमें बहुत सारे स्पाइंस दिख रहे हैं या कांटे जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये जो भी प्रे है, जो इसका शिकार है, उस पर ये एडहेयर करता है, चिपक जाता है। जो हीट्रोट्राइकस यूरिटिल जो है, ये सी वाला जो है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय दी ओपन टिप। इसका टिप जो है थ्रेड का देखो ओपन होता है, वो टिप इससे कैरेक्टराइज होता है। इसमें एक शॉर्ट स्ट्रॉन्ग सा बट लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ डायलेटेड एट द डिस्टल एंड एंड बियर्स अनइक्वल स्पाइंस थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो ये देखो, ये नेमाटोसिस्ट के स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें बहुत सारी स्पाइंस हैं और इसको ओपनिंग है ऊपर में। तो ये हीट्रोट्राइकस यूरिटिल की पहचान है, ये नेमाटोसिस्ट है, ये इसका डिफेंसिव, क्योंकि ये छोटा सा जीव है, बहुत डेलिकेट है, तो अपना बचाव किस तरह से करेगा। इसकी बॉडी में अम्ब्रेलर सरफेस पर बहुत सारे नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट होंगे जो कि जैसे ही कोई इसका शत्रु या इसको शिकार करना है किसी फूड का, तो तुरंत इनको छोड़ देता है, ये कॉइल अनकॉइल होकर ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, और ये पिन जैसे बहुत शार्प होते हैं, और ये उस इनके जो प्रे होते हैं उसकी बॉडी में ही घुस जाते हैं और उसको मतलब मूवमेंट नहीं करने देते या अपना बचाव करके भी भाग जाते हैं। तो वो चुभते हैं और इनको जिस जो फूड लेना होता है उस जीव को ये खा लेते हैं, क्योंकि ये कार्निवोरस होता है, तो छोटे छोटे जीव जंतुओं पे भी ये निर्भर करता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनका भी ये शिकार कर लेता है, नेमाटोसिस्ट से उनको बेहोश कर देता है, वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ये उनका शिकार कर लेता है। माउथ जो मेनोब्रियम से सराउंडेड है, स्क्वायर शेप है, उससे ये इनका भक्षण करना शुरू करते हैं। तो आज हमने ऑरेलिया के बारे में, इसका जो हैबिटेट और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा।
तो ये अभी हम जो ले रहे हैं दिस इज़ दी बीएससी पार्ट वन पेपर वन एंड यूनिट थ्री हमने स्टार्ट किया था, साइकॉन पढ़ा दिया था और उसका दूसरा एग्जाम्पल था सीरेनट्रेटा का, इट वॉज दिस थिंग ऑरेलिया। तो इसके बारे में थर्ड या फोर्थ यूनिट है ये, तो उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो ऑरेलिया आपके कोर्स में है। अब मैं इसके फंक्शंस भी बताऊंगी, डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बारे में आप लोग एक बार फिर से रीडिंग लगाना, सीलेंट्रेट की स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स के बारे में आप पढ़ना तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। ऑरेलिया का डायग्राम आप वापस से देखिए, उसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए तो इसको अच्छे से लर्न हो जाएगा। बहुत इजी एनिमल है और सिंपल भी है, इट्स वेरी इजी टू लर्न द होल लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ाना शुरू करूँगी। टिल देन आई कॉल ऑफ माई क्लास, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।